नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुमार फूड रेटिंग शो में। और आज मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ आया हूं। तो आइए दिखाते हैं अपनी नई वीडियो में जो आपको लेके आया हूं मैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमने सर्व किया है। इसके अंदर ये हमारा चावल है, इसको हमने सर्व किया है। ये हमारी मछली है, फिश है। और ये जो फिश है इसके अंदर ज़्यादा कांटे नहीं है, सिर्फ एक ही कांटा है, तो काफ़ी ईजी रहता है खाने के लिए। और ये हमारी है सीताफल यानी पम्पकिन होती उसकी सब्ज़ी है। और ये हमारी है आलू और गोभी की सब्ज़ी। और ये हमने नींबू लिया है और ये पापड़ है। तो हम मछली है इसके ऊपर नींबू थोड़ा डालते हैं, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ट्राई करते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी जो हमारी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बेल आइकन भी जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें तीन ऑप्शन आते हैं, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला है उसको प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन से पहले आपके पास आए। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। अभी आलू और पम्पकिन यानी सीताफल की जो सब्ज़ी है, इसमें चने भी हैं, इसको हम ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका भी। और इसमें जो पम्पकिन में जो हल्का मीठापन होता है वो भी आ रहा है इसमें। तो आइए हम ट्राई करते हैं फिश को। और जैसे मैंने बताया, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कांटा है, आप देख सकते हैं पूरा। मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें देखिए बीचों बीच एक कांटा होता है बस, इसमें सिर्फ यही कांटा होगा, इसके अलावा कोई कांटा नहीं होता। तो काफ़ी इजी रहता है खाने के लिए, और बच्चे भी अगर जैसे खाते हैं तो भी डर नहीं रहता है कांटा चुभने का।
और दोस्तों जैसे कि देख चुके आप कि ऑलमोस्ट मेरा खाना है फिनिश हो चुका है, काफ़ी अच्छा था। और ये भी मैं जो है फिश हेड होता है वो खा रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा होता है डिश में। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन मैंने जैसे बताया है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आए। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगली वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।